अगर आपका सपना है कि मैं आईआईटी में मेरा एडमिशन हो, पर मैंने जी तो क्रैक किया ही नहीं है तो भैया ये मौका है आपके पास। सिस्टम ये कितने साल का प्रोग्राम है और इसमें बेनिफिट कैसे ले सकता है स्टूडेंट देर इज नो एंट्रेंस एग्जाम फिलोसफी ऑफ दिस प्रोग्राम इज There is no elimination exam. कौन सी कंपनी को आप बुलाएंगे कैंपस के अंदर? अगर आपके फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम एक लाख से कम, हम 75 five फीस वेव करेंगे। आपको सिर्फ 25 five देना। को देश कितना प्रगतिशील है ये पता लगता है उसके एजुकेशन सिस्टम से। जैसे कि पुराने जमाने में भारत विश्व गुरु कहलाता था जस्ट बिकॉज ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय लेकिन आज की भारत की एजुकेशन सिस्टम की सिचुएशन कैसी है बहुत ही कम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें से नाम आता है आई का यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का है ना और आज हमारे दरविद्रा शो में आई मद्रास से एक प्रोफेसर आए हैं जिनका नाम है वीरा राघवन पूरा नाम लेता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ उसके बाद कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं उनका पूरा नाम है डॉक्टर जानकी रमन वीरा राघवन जिनका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई मद्रास के प्रोफेसर हैं 2016 से वहां पे पढ़ा रहे हैं इन्होंने डिजाइन किए और वेरीफाई किए हैं सात से ज्यादा चिप्स और ये आई पी एम सेमी कंडक्टर कंपनी में 2010 में ग्रेजुएशन के बाद से काम कर रहे थे इसके अलावा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी ये काम कर चुके हैं लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज के बारे में जितनी भी यूथ है वो जो कि जे का एग्जाम देती है वो आशा रखती है कि उनका एडमिशन कभी ना कभी आई में होगा सिलेक्शन के बाद ही होता है लेकिन आज के शो में आपको हमें कैसे प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं जो कि आईआईटी मद्रास में चलेगा जिसमें ट्वेल्थ पास आउट होना जरूरी है लेकिन जेई का एग्जाम में अपीयर होकर उसे क्लियर करना जरूरी नहीं है यानी कि आप सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा से लेकर डिग्री तक आई मद्रास से प्राप्त कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू आज का हमारा यही एजेंडा है सबसे पहले प्लीज वेलकम डॉक्टर वीरा राघवन नमस्ते थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो आर यू सर गुड आर यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर आज हम लोग एजेंडा सेट करते हैं सबसे पहले आप एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं भारत सरकार भी स्किल बेस्ड प्रोग्राम की बात करती है ताकि बच्चों को यू नो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले वो डिग्री के बाद अपनी अच्छी सी जॉब ले पाएँ और ऐसा ही प्रोग्राम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सबसे पहले तो उसके बारे में बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है आई के थ्रू हम लोग और क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं फ्यूचर में उसके बारे में बात करेंगे और थोड़े बहुत यू नो फन लविंग क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रोफेसर की यू you नो know, एक ब्राइट लाइफ भी होती है उसकी साइड को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे शुरू स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट आपके लिए क्वेश्चन कभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होते आंसर्स उन क्वेश्चन को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं सर सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स रखूँगा हमें सिर्फ इतना आपसे चाहिए कि आप ये बताइए कि आप उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं हाँ या ना आपको सिर्फ इतना ही जवाब देना है सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ यस और नो प्रोफेशनल डेफिनेटली पर्सनल टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओके एजुकेशन सिस्टम टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगेन ओके आई मद्रास एक्सपीरियंस डेफिनेटली योर टीचिंग एक्सपीरियंस ओ मोस्ट डेफिनेटली सोशल मीडिया ओके आई कैन ट्राई ओके तो चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं सर ने बताई दिया कि ये किस चीज़ पे डिस्कशन करना चाहते हैं और किस चीज़ पे नहीं सबसे पहले स्पेसिफिकली इसी मुद्दे पर चलते हैं सर आई सबका सपना होता है ये बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर टॉप क्रीम जाती है और पंद्रह लाख बच्चे आई का के एग्ज़ाम देते हैं जब वो जे एडवांस क्लियर करते हैं तब आई में पहुँचते हैं उनमें से कुछ ही बच्चे पहुँचते हैं बाकी का बाकी जो बच्चे उनका सपना अधूरा रह जाता है लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो हमें ये पता लगा कि जो बाकी बच्चे हैं उनका सपना भी पूरा हो सकता है आईआईटी में पढ़ने का थोड़ा उसके बारे में बताइए या डेफिनेटली सो वन ऑफ द की गोल्स ऑफ आईआईटी मद्रास इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इज़ टू मेक आईआईटी अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी आई एक्सेसिबल टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इफ़ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड You can be part of IIT Madras. You can get a degree from IIT Madras. And that is exactly what we have done with this new degree called BS in Electronic Systems, Bachelor of Science in Electronic Systems. Hmm. In 2020, we started this degree in Bachelor of Science in Data Science. And that is very successful. There are 20,000 students currently enrolled in the program. Okay. And after seeing this, the Success of this program for three years, we have decided now to embark on another program, which is actually the next biggest job market and job opportunities, you know, the field where you have most job opportunities, mm. electronic systems. Mm. So, like you mentioned, there's no need for JEE, right? If you are if you pass mathematics and physics in class 12, you can join and, and enroll in this program. Amazing. कुछ ग्लिम्प्स बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सर कही। ने कहीं दो में इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डेटा साइंस में शुरू किया था अभी तीन साल में बीस हज़ार से ज़्यादा बच्चे वहाँ से आई आईटी IT मद्रास की डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेके बहुत अच्छी जगह पे सेट हो चुके हैं वो वहाँ से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने कोई जे एग्ज़ाम आपका जे एग्जाम देना है इसके लिए इस प्रोग्राम के लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है इस प्रोग्राम का नाम है बैचलर ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमें करेक्ट एब्सोटली एग्जैक्टली तो फाइनली ये प्रोग्राम टू यानी कि इसी साल से शुरू हो रहा है और वो क्यों शुरू किया गया क्योंकि डेटा साइंस वाला जो प्रोग्राम था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था अब आई मद्रास से अगर आप पढ़ना चाहते हैं अगर आपका सपना है कि मैं आई में मेरा एडमिशन हो पर मैंने जे तो क्रैक किया ही नहीं है तो भैया ये मौका है आपके पास अब एडमिशन कैसे होगा वो सारा प्रोसेस हम लोग जानते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे आपने बताया कि कोई भी बच्चा जो कि ट्वेल्थ पास करने के बाद आपको बस मैथ्स और फिजिक्स में पास हो जाना है भैया अच्छे नंबर ले आने तो आगे का प्रोसेस जानते हैं सर ट्वेल्थ में एक बच्चा है जो कि आई uh, का सपना देख रहा है जे एग्ज़ाम उसे क्रैक ठीक है मेन्स कर लिया पर एडवांस में नहीं हो पाया वटेवर लेकिन वो आई में पढ़ना चाहता है आगे का प्रोसेस क्या है तो यू हैव टू अप्लाई बाई

वो यू नो सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं वी टीच दम द मटीरियल क्लियर डाउट्स गिव असाइनमेंट्स बट वी विल गिव यू एवरी थिंग यू डोंट हैव टू टू गो अ कोचिंग सेंटर गो आउटसाइड टू लर्न एनीथिंग देन इन दो फोर सब्जेक्ट्स वी विल गिव यू अ टेस्ट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट उसको हम क्वालिफायर कहते हैं ओके okay. अगर उस एग्जाम में आप 50 मार्क्स के ज्यादा लेते हैं तो आप ये प्रोग्राम में कंटिन्यू कर सकते तो so, ये सेलेक्शन बेस्ड एग्जाम है हाउ मनी एवर पीपल क्लियर यू आर इन इट इज नॉट दैट वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स एंड देर फॉर समबड़ी एल्स डूइंग वेल विल अफेक्ट यूर परफॉर्मेंस इफ यू डू वेल यू आर इन साइट यू कंटिन्यू लाइक दिस यू की पासिंग कोर्सिस अभी के बाद से इसे एनरोल करने के बाद से जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे अगस्त में उसका एक एग्जाम होगा उसको आपको क्लियर करना है अगर आप मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप आगे इस प्रोग्राम में बढ़ सकते हैं लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये अब होगा कि भैया इसमें सीट्स कितनी हैं वैसे इसका आंसर दे चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूँ सर सीट्स लिमिटेशन कितनी है मान लीजिए क्योंकि हर कोई पंद्रह लाख ,00 बच्चे हैं जिसमें से पंद्रह हजार बच्चों को ही आई मिलेगा तो डेफिनेटली बाकी बच्चे तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहेंगे हाँ तो कितनी सीट्स हैं तो इस प्रोग्राम में एक्चुअली अनलिमिटेड सीट्स है ओके ठीक है लेकिन ये क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम ऑब्वियसली यू नो थोड़ा टफ होगा हाँ यू हैव टू वर्क हार्ड यू हैव टू प्रिपेयर वेल एंड है clearing the exam mm -hmm. is not something that is going to be very easy okay. right so therefore what we have done is we have spoken to industry experts okay. we have understood the needs of the electronic systems industry okay. we know how many engineers should sort of be ready mm -hmm. with you know for various kinds of jobs mm -hmm. and we will ensure that you know anyone who is interested mm -hmm. and you do well we will not stop you right mm -hmm. but the quality will sort of

हाँ तो हम जो भी पढ़ाते हैं हुँ. वो ऑनलाइन में करते हैं ओके ओके सो नाउ द लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग हैज चेंज्ड ओके जो भी बड़ा यूनिवर्सिटी आप देखिए ना वो स्टैनफर्ड या पर्ड्यू या एम आई उनके सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब और जो भी प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं ट्रू लेकिन सिर्फ लेक्चर देखने से आपको स्टैनफर्ड से डिग्री नहीं मिलेगा हुँ. आपको स्टैनफर्ड के जो एग्जाम है वो पास करना पड़ेगा ऐसे ही हमने भी किया है ओके okay. आप लेक्चर्स ऑनलाइन देख सकते हैं लेकिन एग्जाम्स ऑफलाइन देना पड़ेगा ओके okay. काम पे देंगे आईआईटी मद्रास नहीं आना है ओके okay. आपके जो सिटी है और गांव है वहां पे एक एग्जाम सेंटर होगा ओके okay. आप जाके एग्जाम लिख के वापस आएंगे तो ये प्रॉक्टर्ड एग्जाम इन्विजिलेटर होगा रेगुलर हाई क्वालिटी एग्जाम चलेगा वहां पे hmm. आप ये एग्जाम पास किया hmm. करते आए तो आपको डिग्री मिल जाएगा हम hmm, आप पढ़ाई किए सिंपल सा स्ट्रेटजी है आप पढ़ाई किए अगस्त में जो एग्जाम देने जाओगे देखो तो पढ़ाई आप घर पे बैठ के कर सकते हो सारे लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे अवेलेबल होंगे आप लाइव सेशन देखना चाहो तो आई थिंक लाइव सेशन देख सकते हो लाइव लाइव सेशंस भी करेंगे हम डाउट क्लियरिंग सेशंस करेंगे हमारे okay. हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं hmm. वो लाइव सेशंस सेटअप करेंगे hmm. और

सो so, वो एग्जाम आपको देना रहेगा उसमें फिफ्टी परसेंट से अबव मार्क्स से आपको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप इस प्रोग्राम में आगे जा पाओगे अदरवाइज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो पता लगी वो सर से ही पूछते हैं सर वेरी इंटरेस्टिंगली सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कितने साल का प्रोग्राम है और इसमें एग्जिट कैसे, कैसे ले सकता है और बेनिफिट कैसे ले सकता है स्टूडेंट तो ये एक्चुअली फोर ईयर का बीएस प्रोग्राम है ओके okay. लेकिन मल्टीपल एग्जिट्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यू नो वी हैव फॉलोड एंड वी हैव डिजाइंड इट इट सो दैट हैज मल्टीपल एग्जिट्स ओके सो अ स्टूडेंट कैन ग्रेजुएट इन वन ईयर विद अ सर्टिफिकेट ओके एंड कैन और कैन ग्रेजुएट इन टू ईयर्स विद अ डिप्लोमा राइट सो यू हैव टू डू सेट ऑफ कोर्सेस पहले दो साल में चॉइस नहीं है कोर्स hmm. के लिए क्योंकि hmm. जो भी पढ़ाना है वो ट्रेनिंग करनी है वो हम फिक्स कर दिया है सो यू कैन एग्जिट विद डिप्लोमा एंड टू ईयर्स आफ्टर दैट आप रेगुलर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जैसे आप हायर स्टडीज़ को एम कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं hmm. तो वो बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम बाकी दो साल में कम्प्लीट कर देंगे अमेजिंग तो ये तो और एक ज़्यादा बेनिफिट हो गया कि भैया आप एग्ज़िट कभी भी ले सकते हो पहले तो क्या था अगर डिग्री में एंटर हुए तो चार साल आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा तब जाके आप एग्ज़िट लेते लेकिन ये प्रोग्राम इतना फ्लेक्सीबल है कि आप पहले साल में सर्टिफिकेट लेके बाहर निकल सकते हैं दो साल अगर करते हैं तो डिप्लोमा लेके बाहर निकल सकते हैं और पूरे चार साल रहेंगे तो डिग्री आई मद्रास से डिग्री लेके बाहर निकल सकते हैं इसकी भी क्लैरिफिकेशन ले, ले लेते हैं सर से सर प्रोग्राम बड़ा अमेजिंग है बट कहाँ आईआईटी की डिग्री मतलब सबसे ज़्यादा सवाल तो ऑथेंटिसिटी पे होगा कि डिग्री दे कौन रहा है तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर हाँ तो ये एक्चुअली हमारे आई मद्रास सेनेट सर्टिफाइड डिग्री प्रोग्राम है ओके ठीक है बोर्ड ऑफ गवर्नर सभी सर्टिफाई किया है hmm. कि ये आईआईटी मद्रास का डिग्री होगा ओके okay. और जब आप ये डिग्री कंप्लीट करते हैं hmm. आप सभी लोग आईआईटी मद्रास के अलुमनाई बनेंगे अलुमनाई बनेंगे अमेजिंग ओके यू आर ऑल अलुमनाई ऑफ आईआईटी मद्रास इफ यू फिनिश दिस डिग्री अमेजिंग सो इट इज अ लेजिटिमेट कंप्लीट डिग्री इक्विवेलेंट टू एनी अदर बीई और बीटेक इक्विवेलेंट और सेम इट इज इक्वेलेंट आई कैनॉट से सेम बिकॉज

कहीं अच्छे सेंटर पे जो कि आप ही कंडक्ट कराएंगे वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देके बस एग्ज़ाम पास करने है फिफ्टी परसेंट अब से बट उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे आते हैं कैंपस प्लेसमेंट जो कंपनी आएंगी वो तो आईटी मद्रास में आएंगी ये आपके एल्यूमिन आए तो इनको इंडिया में जब भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से कोई मेल जाएगा कि भाई ये कंपनी ऐसा कुछ होगा कि कोई कंपनी का आ रही है उसका मेल जाए और फिर उसके बाद वो आई मद्रास जाएँ और उनके पास से जॉब अपॉर्चुनिटी हो वहाँ पर जाके इंटरव्यू दे पाएँ इसी डिग्री के थ्रू हाँ तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हुँ. हम आईआईटी मद्रास में एक प्लेसमेंट सेल क्रिएट लिए सिर्फ तीन साल हुआ है ना okay. तो अभी उनके लिए प्लेसमेंट चल रहा है okay. और ये प्लेसमेंट सेल कंपनी को कांटेक्ट करेंगे कंपनी को बुलाएंगे इंटरव्यू करा देंगे हुँ. और ऐसे ही जॉब ऑफर मिलेंगे ठीक hmm. है और अनदर थिंग ऐसे ही इस प्रोग्राम में भी और hmm. चलेगा hmm. तो ये इंडस्ट्री उनको इंटर्नशिप देंगे और वहां से ऑब्जॉर्ब कर देंगे बहुत बढ़िया यार ये तो काश हमारे समय में होता तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी सर एक और क्वेश्चन आ रहा है जैसे मेरा मेरा भी खावाब था आई आई में काश मैंने आई टी एग्ज़ाम दिया तो मैं क्लियर तो नहीं कर पाया बट मेरा भी ख्वाब था कि काश मैं आईआईटी में पढ़ता मेरे पास डिग्री होती है आई की आई का यू नो लेवल ही अलग है पर मैं तो पूरा नहीं कर पाया लेकिन अगर मान लीजिए कोई ट्वेल्थ का स्टूडेंट नहीं है ट्वेल्थ के बाद वो ग्रेजुएशन कहीं से कर चुका है प्रोफेशनल अपना काम भी कर रहा है बट अगर उसको इस प्रोग्राम का पता लगे तो एज क्राइटेरिया क्या है तो इस प्रोग्राम में एज क्राइटेरिया नहीं है बी एस इन डेटा साइंस में देर इज अ पर्सन हु इज एटी ईयर्स ओल्ड हु इज डूइंग दिस डिग्री नाउ ओके तो आप दूसरे डिग्री भी कर सकते हैं रेगुलर कॉलेज में इंजीनियरिंग डिग्री ले सकते हैं और पैरल ये डिग्री कर सकते हैं आप बहुत बढ़िया तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब वो आ चुकी है कि आप दो डिग्री कर सकते हैं ठीक है तो एक्चुअली ये प्रोग्राम अभी शुरू किया है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक रेगुलर डिग्री सीट लीजिए और ये पैरेलल में कीजिए मे बी इन फाइव इयर्स टेन इयर्स इट विल बिकम वेरी सक्सेसफुल देन वी कैन रेकमेंड दैट यू डू दिस फुल टाइम बहुत बढ़िया तो आप इस चीज़ को समझिए मान लीजिए ये यही कह रहे हैं अगर आप कोई पैरल ही एक डिग्री कर रहे हैं ठीक है कोई एक डिग्री कर रहे हैं तो पैरल ही इस डिग्री को भी कर सकते हैं और जैसे इसका सक्सेस रेट रहेगा मुझे ल, आप आइए खुद रेकमेंड कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये डिग्री ज़्यादा सक्सेसफुल हो एज़ कम्पेयर टू योर रेगुलर डिग्री सेकेंड लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है बॉस अगर आप 80 साल के भी हैं तो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत बढ़िया अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं बेसिकली इवन उनके यू नो पेरेंट्स हैं वो भी ये देखते हैं कि भाई डिग्री करवा रहे इतना पैसा खर्च होगा पैसे की तो बाद में बात करेंगे हम लोग तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले लेकिन पैकेजेस कितना कहाँ पर उसका सेलेक्शन के चांसेज़ हैं कौन सी कंपनीज में आप यू you नो know, कौन सी कंपनीज़ को आप बुलाएंगे कैंपस के अंदर जिससे इनकी हायरिंग हो पाए जो स्टूडेंट आप ले रहे हैं क्या पैकेज रेंज रहेगा थोड़ा उसके बारे में बताइए ओके सो दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज इवन इन द डेटा साइंस द प्लेसमेंट इज़ हैपनिंग ओनली नाउ वी विल हैव मोर डेटा इन सम मोर टाइम बट Uh, हम जब ये प्रोग्राम कंसीव किया hmm. तो हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से फीडबैक लिया okay. और उनसे हमने पूछा कि ये आपके इंडस्ट्री में गैप्स कहाँ पे hmm. जो इंजीनियर्स आते हैं ना hmm. तो उन्होंने हम हमें बताया कि ये ये इन एरिया में तो बहुत ही गैप्स है hmm. तो हमने ऐसे प्लान किया है थे, कि ये इंडस्ट्रियल गैप्स है ना hmm. वो हम फिल कर सकें तो ये पैकेजेस बहुत अच्छी होगी hmm. लेकिन

और अगर आप आई का सपना देखते हैं तो देखिए जब आई के कैंपस के स्टूडेंट हैं आप तो वहाँ की अथॉरिटी से कोशिश तो करेंगे ना कि आपको अच्छी से अच्छी कंपनी हायर करे तो ये तो बहुत कॉमन यू नो प्रैक्टिस है जो कि हर कॉलेज करता है और आई जैसे कॉलेज तो करेगा ही सर अब आते हैं लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ दिस प्रोग्राम फ़ीस कितनी है ओके okay. द फीस इन ए नटशल इफ यू फिनिश इन वन ईयर एक साल में ये डिग्री ये सर्टिफिकेट लेके आप बाहर गए hmm. तो एटी थाउजेंड है ओके okay. दो साल में डिप्लोमा किया, hmm. तो hmm. okay? hmm. hmm. किया तो टू लाख फोर्टी एट थाउजेंड है ओके और कंप्लीट डिग्री फोर ईयर डिग्री कंप्लीट किया तो फाइव लाख एटी फोर थाउजेंड है ओके इसमें रेगुलर गवर्नमेंट रिकमेंडेड यू नो कैटेगरी के लिए ये जनरल कैटेगरी फीस है ये तो गवर्नमेंट रेकमेंडेड जो भी कैटेगरी रिडक्शन है वो सब रहेगा रहेगा और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है ओके okay. ओके okay? hmm. तो अगर आपके फैमिली इनकम 5 लाख से कम हो और आप एक सर्टिफिकेट हमें दे दें hmm. तो आपको फिफ्टी परसेंट फीस कम कर देंगे अमेजिंग अगर आपके फैमिली इनकम टोटल फैमिली इनकम एक लाख से कम है hmm. तो आप आप हम 75% फीस वेव कर देंगे आपको oh. सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट देना है mm -hmm. तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं डेटा साइंस में आई थिंक बीस हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं mm -hmm. और ऑलमोस्ट पाँच हज़ार लोग को ये स्कॉलरशिप्स दिया गया है बहुत बढ़िया सो फाइनली फी एटी थाउजेंड फॉर वन ईयर टू लैख समथिंग फॉर टू ईयर्स एंड फाइव लैख समथिंग फॉर डिग्री बट द थिंग इज अगर आपकी परिवार की इनकम पाँच लाख से कम है तो फिफ्टी परसेंट रिबेट है और अगर आपके परिवार की जो इनकम है वो एक लाख से कम है तो आपको ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट रिबेट है दैट इज़ अमेजिंग यार पच्चीस परसेंट ही देना पड़ेगा यानी अस्सी हज़ार का पच्चीस परसेंट आप काउंट कर सकते हैं कितना हुआ बीस हज़ार आई थिंक ट्वेंटी थाउजेंड आपको देना पड़ेगा सो so, वीर राघवंत सर इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे होंगे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू सेट की ये सारा ऑनलाइन प्रोग्राम है उनको सारे लेक्चर्स ऑनलाइन अटेंड करने बट वट अबाउट लैब सेशन अगर उनको तो कुछ प्रैक्टिकल्स करने हुए हाउ दे कैन डू दैट इलेक्ट्रॉनिक्स में तो लैब बहुत ही जरूरत कॉम्पोनेंट है ट्रू तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी हार्डवेयर किट्स मिल रहा है okay. जो बड़ा सा असलो सिग्नल जनरेटर है ना वो इतना छोटा सा हो गया आज ओके okay. ठीक है तो ये किट्स hmm. हम शिप कर देंगे तो सारे स्टूडेंट्स घर में बैठ के ये एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं Amazing. तो हमने अभी मैंने एक्चुअली में hmm. अपने लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया सेलेक्ट hmm. बच्चों को चूज़ करके hmm. उनको हॉस्टल में करने को बोला वो ये सारे एक्सपेरिमेंट okay. तो ये लैब आया ही नहीं हॉस्टल hmm. में सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके सिर्फ इवेल्यूएशन के लिए लैब आए okay. और इनके मार्क तो कंपेरेबल है रेगुलर बच्चे से hmm. तो यही हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स एट होम बट अगर किसी बच्चे को आई आई टी मद्रास आना पड़ेगा सेमिस्टर में एक बार ओके okay. तो तब हम उनको हेल्प करेंगे ये सारे एक्सपेरिमेंट hmm. कंप्लीट करने के लिए hmm. और इवेल्युएशन हम वहीं पर आप Examinations, theory examinations up examination centers. There are more than one fifty centers in India. Mm. You can give it in you know in the relevant center. Mm. But for the lab examination demonstrations, you have to come to IIT Madras. Okay. And students.

एक अच्छा सवाल था जो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि लैब एक्सपेरिमेंट्स का क्या तो इन दैट केस जब आप इसमें एनरोल करते हैं प्रोग्राम में तो आपके घर में स्पेसिफिकली किट्स पहुँचाई जाएंगी जिससे आप घर पर बैठ के वो सारे के सारे लैब के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ समझ ना आए देन यू के नास्क इन लाइव सेशंस अब अगले सवाल पर चलते हैं sure. जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ यू नो क्वालिटी ऑफ टीचिंग ऑफ द कोर्स यस बेसिकली उसमें जो ऑनलाइन लाइव सेशन होंगे क्या उसमें वही प्रोफेसर पढ़ाएंगे जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं सो क्वालिटी ऑफ टीचिंग आई आई टी मद्रास हैरी हाई स्टैंडर्ड्स इन टीचिंग राइट सो अगर तो ये एक्चुअली ये बी एस प्रोग्राम की बात नहीं है एन पी टेल करके एक प्रोग्राम है ओके hmm. एंड okay? ये हमारे जो आई आई टी आई एस सी प्रोफेसर है hmm. उनके वीडियो लेक्चर्स होस्ट करते हैं okay. तो रिकॉर्ड करके और पिछले दस साल से हम सर्टिफिकेट्स देते हैं तो एन पीटेल कोर्स वीडियोज देख के इंजीनियरिंग hmm. कॉलेजेस बाकी सारे और आई आई टी में भी hmm. दो या तीन कोर्स ऐसे hmm. क्रेडिट कर सकते हैं ओके। okay. तो ये दस साल से ऑलरेडी चल रहा है ओके। hmm. okay, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया है hmm. और यही क्वालिटी हमने अभी स्केल किया बी एस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और डेटा साइंस प्रोग्राम के लिए ठीक है तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग अनडाउली विल बी बेस्ट इनफैक्ट एक्चुअली कोविड के बाद hmm. हमारे जो डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है टीचिंग डिलीवरी है एक्चुअली hmm. वो बहुत इंप्रूव हो गया है क्योंकि हम वीडियो यूज करते हैं एनिमेशन hmm. करते हैं hmm. तो ये बहुत ही इम्प्रूव हो गया ओके hmm. क्वालिटी okay? सिर्फ ये एग्जामिनेशन के बाद में आते हैं hmm. और वो क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं ऑफलाइन एग्जाम्स के अमेजिंग hmm. क्या बात है फाइनली कुछ और क्वेश्चन सर सेमी कंडक्टर्स का डिमांड बढ़ रहा है इंडिया में एज वी कैन से यू नो मैं उसको थोड़ा सा और जोड़ता हूँ थोड़ा डीप डाइव करते हैं uh, बेसिकली uh, जितने भी इन्फ्लुएंसेज़ आजकल इंडिया में इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा हो गए हैं तो सबको वीडियो एडिटर चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए और वीडियो एडिटर ग्राफिक डिज़ाइनर को या तो फ़ोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए बेसिकली अगर आप ध्यान से मार्केट को एनालाइज़ करोगे तो आज लैपटॉप जितने कॉस्टली हैं उतने कॉस्टली पहले थे ही नहीं लैपटॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सप्लाई इतनी नहीं है वो चाइना की वजह से भी है इसके लिए हमें सेमीकंडक्टर खुद घर में ही इंडिया में ढूंढने पड़ रहे हैं लेकिन लैपटॉप की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सो आने वाले टाइम में जो ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो कितना बूम करेगी और इसमें ये कोर्स करने वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है प्लीज़ एलेबरेट पिछले दो तीन साल से हुँ. ये मैनुफैक्चरिंग सेक्टर और सेमी डिवीज़न में वो पुश है ना गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन uh, गवर्नमेंट दोनों से पुश बहुत ही ज़्यादा है hmm. तो इसीलिए हमने एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्रोग्राम अभी शुरू किया ओके okay. ठीक है तो ये ये टाइमिंग बहुत अच्छी है hmm. क्योंकि इंडिया में सॉफ्टवेयर में तो हम तो लीडर्स हैं पिछले बीस साल से hmm. लेकिन हार्डवेयर में अभी बहुत सारे जॉब्स आने वाले हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं hmm. और ये सेमी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में हमारे डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री hmm. होल्डर्स दे विल बी वेरी क्वालिफाइड टू टेक अप जॉब्स इन दी सेक्टर्स वाह वैसे सिर्फ ये लैपटॉप या मोबाइल तक ही सीमित नहीं है सेमी कंडक्टर लैपटॉप मोबाइल में यूज़ होते हैं लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो ई में भी हो रहे हैं yeah. इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात करें तो वहाँ पर सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री जो भी सेमी कंडक्टर बना रहा है भाई साहब आने वाले पाँच दस साल बेसिकली उनके लिए गोल्डन ईयर साबित होंगे और अगर आप सेमी कंडक्टर में या yeah, ये जो प्रोग्राम है बेसिकली इसमें आपको सेमी कंडक्टर थिंक पढ़ाया जाएगा सो so अगर आप इसमें क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो आपके लिए गोल्डन ईयर्स आ सकते हैं सो so फाइनली ये तो बहुत बहुत ही अमेजिंग यू नो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कोर्स है स्कॉलरशिप भी आपने बता दी किस तरह के स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है अब थोड़े इंटर्नशिप पे आते हैं सर yeah. uh, मान लीजिए कि कोई बच्चा चार साल का कोर्स कर रहा है और उसको एग्ज़ाम तो खैर घर से ही देने हैं बट वॉट अबाउट इंटर्नशिप ये कब हाँ कब होगा और कहां कहां पे उसको करना होगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होंगे लेकिन ओनली एट दैट टाइम वी कैन यू नो गिव यू एन एग्जैक्ट पिक्चर राइट बट इंटर्नशिप्स विल हैपन जस्ट लाइक एनी अदर बी टेक और बी डिग्री द इंटर्नशिप विल हैपन इन द दम्पनी सिक्स इन द कंपनी क्योंकि ये कंपनीज इंटर्नशिप्स क्यों करते हैं hmm. क्योंकि एक्चुअली वो कैंडिडेट को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं छः यू नो सिक्स मंथ्स थ्री मंथ्स ये एक दिन के इंटरव्यू से बहुत बेटर है ट्रू और वो गेज कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉ हमारे लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं एग्जैक्टली exactly. और अगर वो क्लिक हो गया तो उनको ऐसे ही जॉब ऑफर दे देंगे आपको प्लेसमेंट में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है ट्रू तो इंटर्नशिप ऐसे ही चलेगा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे और ये ऑलरेडी चल रहा है ओके okay. डेटा साइंस में तो ऑलरेडी चल रहा है बट एक कब कब होगा कौन से इंटरवल में होगा आई थिंक जब पहला साल वो कंप्लीट कर रहा है उसके बाद ही इंटर्नशिप है या दो साल तीन साल के बाद तो ये पहले दो साल में ये इंटर्नशिप्स नहीं कर सकते हैं okay. क्योंकि उनको एक्चुअली बहुत पढ़ना है हाँ. और वो मेचोरिटी भी नहीं होगा और कंप्लीट पिक्चर नहीं होगा तो तीन यू नो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तब इंटर्नशिप शुरू करेंगे जस्ट लाइक अ रेगुलर प्रोग्राम हमारे रेजिडेंट बी स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं ओके okay. और कंपनीज आप लोग रेकमेंड करेंगे या फिर वो खुद से ढूंढ सकते हैं वो एक्चुअली अभी आईआईटी में तो वो खुद से ढूंढ रहे हैं hmm. हमको पता ही नहीं hmm. प्रोग्राम बड़ा अच्छा है लिटरली बड़ा यू अच्छा hmm. uh, पर मद्रास में ही क्यों क्योंकि uh, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी आई आई ब्रदर्स और सिस्टर ब्रांचेज ही है तो बाकी आई आज में क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है ओके दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन आई कैन ओनली स्पेक्यूलेट ओके आई डो नॉट नो वाई न गिव यू हिंट सो जैसे मैंने बताया ना एन पी टेल ये वीडियो लेक्चर सर्टिफिकेशन दस साल से चल रहा है hmm. और एन पी टेल के हेड क्वार्ट आई आई टी मद्रास में True. तो ये एग्जाम सेंटर में यू नो ऑनलाइन में भी, you know, पढ़ाना और एग्जाम सेंटर्स में जाके एग्जाम लिखना ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आई आई टी मद्रास से करते हैं ओके तो उनको एक्चुअली बहुत डिटेल्स बहुत पता है

ये बी एस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और डेटा साइंस चला रहे हैं। hmm. बहुत सारे इंडिया में इंटेलिजेंस स्टूडेंट जो क्रीम है वो आज भी स्टैनफोर्ड या एम की बात करती है तो क्या आई का लेवल अभी उतना नहीं है एम या स्टैनफोर्ड जितना आपको क्या लगता है सो देर आर मल्टीपल आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड ऑफ आई आई टी बी टेक स्टूडेंट्स अभी स्टार्टअप शुरू कराए ओके यू नो डिग्री खत्म करके एक स्टार्ट आईटी मद्रास में एक आईटी रिसर्च पार्क है जस्ट अक्रॉस दस वहाँ पे हम सारे फैसिलिटीज देते हैं और वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आए सो ये सही नहीं कि जस्ट दे गो अब्रॉड ओके बट पीपल हु वांट टू गो अब्रॉड दे मे हैव डिफरेंट रीजन्स राइट फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट इट्स द इजिएस्ट टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स सो कई बच्चे को सिर्फ अमेरिका जाना है या वो फॉरेन जाना है तो ऐसे जाते हैं ओके ठीक है इट्स नॉट बिकॉज समथिंग इज नॉट अवेलेबल हियर ओके राइट दे हैव डिफरेंट रीजंस एंड इफ दे वांट टू गो दे एनकरेजमेंड दी स्टूडेंट्स टू दोन दो वेरी फ्रीली इट्स अ फ्री मार्केट लेट देम गो लेट देम ट्राई एंड वी शुड अट्रैक्ट द राइट टैलेंट सो अभी बहुत चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं हायर स्टडीज और स्टार्टअप्स के लिए आपकी बात करते हैं आपने सेमी कंडक्टर डिपार्टमेंट आई में जॉब छोड़ दी जस्ट बिकॉज यू लाइक टीचिंग करेक्ट ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आ, वैसे जनरली हम देखते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन को लोग चूज़ नहीं करते लेकिन आप बाई चॉइस hmm. टीचर बन गए

हंड्रेड स्टूडेंट्स और वन आवर फिफ्टीन मिनट इज नॉट अंडल टू डूट देर इज नो बेटर पर अगर कोई स्टूडेंट ना तो डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हो तो जो बाकी स्ट्रीम्स में इंटरेस्टेड है वो अपनी फील्ड कोई और फील्ड का क्यों नहीं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट होने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी में एक्चुअली ये डेटा साइंस का जो भी सिलेबस है ना hmm. अगर आप क्लोजली देखें hmm. ये सारे रिजल्ट्स 1960, 1970 में आ एक्चुअली okay. हम नाइनटीन नाइन्टी नाइन टू थाउजेंड में पढ़ा सकते थे hmm. लेकिन ये क्यों नहीं किया hmm. क्योंकि एक्चुअली उस समय hmm. ये बिग डेटा और ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर नहीं था okay. ओके, okay, तो so ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स hmm. के वजह से hmm. ये बिग डेटा और ये डेटा साइंस अभी चल रहा है लेकिन हम पहले डेटा साइंस क्यों चुने hmm. क्योंकि उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ा है hmm. तो इसीलिए हमने डेटा साइंस पहले शुरू किया hmm. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बिना तो ये चल नहीं सकता है True. तो दूसरा फील्ड यही है इलेक्ट्रॉनिक्स अगर एक कोई और फील्ड में hmm. बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि अनलिमिटेड सीट्स है ट्रू तो इसमें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी है ट्रू नहीं तो ये यू you नो know, पढ़ाई खत्म करके क्या करेंगे ट्रू राइट सो ऐसे जो भी जॉब ऑपरचुनिटीज बढ़ाते आए ना hmm. उस फील्ड में हम तो कंसिडर करेंगे मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री सो so, अगर आप डेटा साइंस अभी डेटा साइंस बहुत ज़्यादा चल रहा है तो वो प्रोग्राम ऑलरेडी है इसके अलावा क्योंकि सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का यू नो डिमांड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है तो उसका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये अगर सक्सेसफुल दोनों प्रोग्राम सक्सेसफुल होते रहे तो बाकी आई में भी हो सकता है कि दूसरी फील्ड में अपना ये बैचलर ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस करते हैं अमेजिंग आप कैंपस में रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू आस्क यस कैंपस क्वार्टर्स में रहते हैं कैंपस क्वार्टर्स में रहते हैं वहाँ का लाइफ जो लोकल कॉलेजेस होते हैं उससे कैसे डिफरेंट है अगर हम आग पांच फैक्टर कोई बताना चाहे पहले तो कैंपस लाइफ है राइट सो वहाँ पे आईआईटी मद्रास के जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है ना हाँ वो तो अनमैच्ड है ओके वहाँ पे एक एक्चुअली कैंपलास ग्राउंड करके क्रिकेट ग्राउंड है ओके वहां पे रणजी ट्रॉफी मैच चलता है ओह और मुरली विजय क्रिकेटर है ना हाँ। वहां पे आके अक्सर प्रैक्टिस करते हैं एक नेट में प्रैक्टिस करते हैं हाँ. और हम दूसरी नेट में खेलते होंगे तो ये अपॉर्चुनिटी और कहीं पे नहीं मिलेगा और ऑफ़ कोर्स ओपन एयर थिएटर है राइट इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच मूवीज इन दीज ओपन एयर थिएटर्स राइट कैंपस में तो ब्लैक बक्स डियर ऑलमोस्ट जंगल तो बहुत सारे बंदर हैं हाँ. तो ये वी लिव विदिमल्स क्रेज़ी <laughs> भाई साहब ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी तो स्पेसिफिकली दिस इज सिचुएटेड इन चेन्नई मतलब सेंटर में किसी जंगल में बना हुआ है कहाँ पे है exactly? एग्जैक्टली तो ये अडियार में है एक्चुअली हार्ट ऑफ चेन्नई में है ओके okay. लेकिन आई थिंक लॉन्ग बैक इट वॉज नॉट द हार्ट ऑफ चेन्नई सो दैट टाइम इट वॉज अ फॉरेस्ट लैंड इंड ऑल दैट पार्ट ऑफ दैट इज आई टीम

तीन हज़ार स्टूडेंट्स आते हैं hmm. वहाँ पे एक्चुअली खेलते हैं ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं और वहाँ पे लाइव प्रोग्राम्स म्यूज़िक प्रोग्राम्स डांस प्रोग्राम सभी करते हैं जो जो भी आप रेगुलर कॉलेज में करते हैं ना वो सब इस प्रोग्राम में भी आप कर सकते हैं ऐसे देखा जाए तो एजुकेशन के से नंबर वन कौन सा आईटी तो एजुकेशन रैंकिंग अगर देखें एन आई आर एफ रैंकिंग जस्ट दो दिन पहले आए हाँ. और आई आई टी मद्रास बीन नंबर वन इन फॉर द लास्ट सेवन हैव मेंटेन दैट रैंकिंग एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द

ओके okay. और सितंबर से सेमेस्टर फुल स्विंग में शुरू होगा चलो एनरोलमेंट के लिए आपको बता दे रहे हैं उनके लिए सर प्रोसेस क्या है सो तो सिर्फ ऑनलाइन एक लिंक है ओके okay. तो आप जाके वो फॉर्म भर दें ओके okay. और सबमिट कर दें तो फ़ी है इसकी ये आई थिंक इट इज फी ऑफ ओके मतलब अगर उसने फॉर्म भर दिया तो वो अगस्त तक तो पड़ेगा ही अगस्त तक तो पड़ेगा हाँ गारंटी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस लिंक पे क्लिक करिएस थाउजेंड रुपीज का एक नॉमिनल फीस है जो आपको देना रहेगा अगर आप आई टी मद्रास के इस पूरे प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो लेकिन मैं वो क्लियर कर दूँ की सिक्स थाउजेंड रुपीज सिर्फ अप्लाई करने के लिए नहीं है इसके बाद आप एनरोल हो जाएंगे और एनरोल होने के बाद आपकी पढ़ाई भी होगी अब अगस्त में जाके आपको जब एग्जाम देना उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है ओके yes, exactly. okay. और so, ये क्वालिफायर एग्जाम बार बार दे सकते हैं आप okay. ओके सिर्फ एक बार नहीं okay. अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ हाँ तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर ट्राई कर सकते हैं हाँ. और पास कर दे तो आप कंटिन्यू कर सकते hmm, ये भी अच्छी चीज़ है कि आपका सिक्स थाउजेंड रुपीज कहीं नहीं है भाई अगर आप इस बार नहीं दे पाए तो आप अगली बार भी ट्राई कर सकते हैं अच्छा फिर से उसको फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा hmm. लेकिन फिर ट्राई करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए उसे क्लिक करिए ऑथेंटिसिटी के लिए क्या करें भाई हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं वो लिंक है बट वो ऑथेंटिसिटी के लिए क्या करें कि मैं जेनुइन प्रोग्राम में अपना एनरोलमेंट करवा रहा कि नहीं कैसे पता हाँ, तो आप जब फॉर्म भरते हैं और सबमिट करते हैं हुँ. तो आपका आपको एक्नोलेंट मिलेगा राइट right? आपको ये कोर्स uh, एनरोलमेंट का जो पासवर्ड है ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे ओके okay. तो आपको ये एंड वो अगस्त में जो भी एग्जाम है आपको एक हॉल टिकट भेजेंगे हम हुँ. तो यही है ऑल दीज दैट यू हैव

येस फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वेबसाइट में जाके भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सो so फाइनली आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका आई पढ़ने का सपना अधूरा रह गया हो आपका जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ हो और आपको लगता हो किश में आई आई की जिंदगी जी पाता तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गोल्डन चांस है आपके लिए जहाँ पर आपको आई आई टी जेई के एग्ज़ाम क्रैक करके पास होने की ज़रूरत नहीं है आईआईटी जाने के लिए इस प्रोग्राम का नाम है बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एग्जैक्ट सो आप जाइए एनरोल कीजिए फीस भी ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है प्रोग्राम में क्या होगा डिटेलिंग सब वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं एनरोल करिए मज़ा आ जाएगा आई की ज़िंदगी जीने का मौका वापस नहीं मिलने वाला अगला सेगमेंट है पिक क्या कहती है बॉस सर इसमें हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे आप ही okay. सिर्फ उससे जुड़ी हुई मेमोरी हमारे साथ शेयर करनी है ओके okay. आपका फर्स्ट पिक्चर मुझे बड़ा क्लास ही लग रहा है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसमें किसी क्लासरूम में होंगे और लेक्चर ले रहे होंगे पोडियम पे आप खड़े हुए दिख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है बट आप बताइएगा ये तो आई थिंक कुछ ऑनलाइन लेक्चर का वीडियो है ओके okay. और फोटो है ओके okay. और हम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं चलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगा नेक्स्ट जो है वो मेरा फेवरेट है मैंने इनसे पूछा भी था ऑफ कैमरा कि क्या है आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस फोटो को देखने के बाद सर ये हाँ तो हमारे एक ड्रामा ट्रूप है ओके okay. तो हमने तमिल में कुछ प्लेस किया है बेंगलोर hmm. में ये पहला प्ले है आदिरवलई ओके ऑगस्ट सेवेंथ को हमने मलेश्वरम में एक्चुअली प्रीमियर किया hmm. तो उसमें से फोटो तो बहुत अच्छी मेमोरी है ये नेक्स्ट फोटो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपकी हॉबीज को दिखाता है आप हिमालय गए थे ओ oh यस yes, ये मी एंड माय वाइफ हैड बीन दिस प्लेस कॉल्ड क्यारकोटी ओके इन उत्तराखंड ओके सो दिस वाज टेकन ड्यूरिंग द ट्रेक ओके ओनली मी एंड माय वाइफ एंड द गाइड एंड अ कुक ओके सो वी वेंट फॉर द गारवाल हिल्स अमेजिंग आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें आप इस चीज़ को एंडोर्स भी कर रहे हैं आई थिंक प्रमोट कर रहे हैं कि आपको जे के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है कोचिंग इंडस्ट्री अगर ये प्रोग्राम पूरा आई शुरू कर देती और एन भी शुरू कर देती तो कोचिंग इंडस्ट्री तो गई एक्चुअली जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है hmm. अगर ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सिलेबस सलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस को पढ़ाएँ hmm. तो ये बहुत अच्छी होगी बिकॉज टीचिंग दिस लेवेंथ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सिलेबस इज नॉट ईजी ये एनिमेशन के साथ जो भी पढ़ाते हैं अगर ये करें तो बहुत बेनिफिट होगी स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफकोर्स ये यू नो ये फ्री मार्केट है ये हम जो भी करते हैं उससे बेनिफिट होगा और किसी और को थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन वो तो रीअलाइन करना है तो माई ओपिनियन इज फोकस शुड नॉट बी ऑन एन एंट्रेंस एग्जाम इट शुड बी ऑन टीचिंग एलेक्ट्रो मैगनेटिक्स और इट शुड बी ऑन टीचिंग मैकेटिक्स यू जस्ट टीच दैट डोंट टीच काइनेटिक्स फॉर एंड एंट्रेंसिकेन यू विल स्टिल फाइंड अ गुड वे टू सरवाइव एंड डू अ गुड जॉब ये कहते हैं कि भैया यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं है कोई किसी को डिमोट या प्रमोट करने की कहानी नहीं है अगर इंडस्ट्री में किसी तरह का चेंज आता है तो आपको अलाइन करना है इंडस्ट्री के साथ में और अपॉर्चुनिटीज हर बार वैसी ही होती हैं अगर आप दिमाग लगाएं तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड पहला सवाल आपको इनमें से कोई एक चूज करना है बेंगलोर और चेन्नई चेन्नई नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई टी गुवाहाटी और आई चेन्नई आई चेन्नई अगला सवाल इनोवेशन और ट्रेडिशन innovation theory or practical practical technology or humanity humanity industry partnerships or academic autonomy academic autonomy iit madras offline lectures or nptel both because we teach offline and that becomes nptel okay. so yeah bike or car cycle electrical engineering or electronics engineering electronics engineering सो so फाइनली ये हमारे दो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं खत्म अब हम चलते हैं आगे वन वर्ड रैपिड फायर राउंड जिसमें आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें सिर्फ आपको एक ही वर्ड में आंसर देने की कोशिश करनी है यू हैव टू ट्राई टू मेक द आंसर इन वन वर्ड ओनली ओके फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज योर जॉब टाइटल टीचर व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल In school, mm. I think it would be maths. Okay. Your favorite subject in college? I think that would be signals and systems. Okay, great. And right now, when you are a lecturer, what is your favorite subject? Right now, I'm recording this course, course called Electronic Systems Thinking. Okay. I think that is very exciting. So mm. I will also share that link. Some videos are already out. Mm -hmm. It's a very different course. So it's mm. very exciting. Your favorite book uh, in education. In education, I mm. think Problems in General Physics by I.e. Iradov. Amazing. What is your favorite type of music? Erratic music. Indian education system. It's changing a lot. I Chennai? Freedom. Very deep questions late. So what motivates you the most? I like hard work. Okay. So I enjoy hard work. Mm. What quote resonates with you? Bhagavad Gita, I would say just do your duty and just Move on from there. Amazing. What is the best advice you ever received? Do what you like. Mm. Don't do what somebody else wants you to do. How do you cope with hardship? If you enjoy hard work, mm. I think you will come out of hardship also more easily. What is your most strongly held belief? You keep working hard, and if you have the right talent, mm. you will achieve what you want. Wow. Finally, I'll take last question. Do you believe that IITs

What if money cannot buy happiness? Can one be happy with no money? Yes. What if no one hears a sound? Does it still exist? By laws of physics, some molecules have to hmm. vibrate. Hmm. So it's a deep question. I don't know. If you were the education minister of India, then what is the first thing you will do? First, understand the education in India. Okay. And then I can do something about it. What if you.

दैट्स oh, क्रेजी हमें भी नहीं पता था ठीक <laughs> है बट लिखा है सम एक्ट्रेस यस yes. पर नाम आपको खोजना है अब जाके एक बार गूगल पे सर्च करिए कौन है जिसने 5G टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी नेक्स्ट क्वेश्चन एल्बर्ट आइंस्टाइन वो मोस्ट फेमस फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ओके वॉट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक इन फिजिक्स

2011 इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता 1983 ओके okay. 1983 में कैप्टन कौन था कपिल देव क्रेजी 2011 में कैप्टन कौन धोनी थोड़ा पॉलिटिक्स में चलते हैं तमिलनाडु में अभी किसकी सरकार है डीएमके डीएमके वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है स्टालिन करेक्ट कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर कौन है अभी चेंज हुआ है सो आई थिंक इट इज मिस्टर सिद्धरामैया करेक्ट यहाँ पे अब किसकी गवर्नमेंट कांग्रेस आखिरी सवाल व्हाट गोस थ्रू सिटीज एंड फील्ड्स बट नेवर मूव्स व्हाट गोस थ्रू रोड्स करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव लेक्स विद नो वाटर माउंटेन्स विद नो स्टोन एंड सिटीज विद नो बिल्डिंग्स व्हाट आई एम माउंटेन्स विद नो स्टोंस एंड व्हाटस द फर्स्ट वन लेक्स विद नो वाटर डेजर्ट no well oasis i have i mean there's a place okay. who is saying that i have lakes with no water hmm. mountains with no stones and cities with no buildings yeah i'm saying desert because an oasis i mean uh, mirage hmm. there's no water hmm. sand dunes form the mountains there are no stones okay and um, there are no buildings <laughs> cities okay <laughs> <laughs> मतलब इन्होंने you know, अपने इंटेलेक्चुअल से आंसर दिया बट द थिंग इज द आंसर इज मैप ओके फाइनली देखो आई कैन से कि भाई प्रोफेसर से इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जो पूरे दिन अपनी किताबों में यू you नो know, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लगे ले उसके उसके बावजूद भी बहुत सारे सवालों के जवाब एकदम करेक्ट दिए हैं क्रिकेट में तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि कोई इनका हाथ पकड़ सकता है इन्होंने बहुत ही क्लोजली बहुत ही करेक्ट आंसर्स दिए हैं थैंक यू सो मच सर अब हम लोग इस सेशन uh, को रैप अप कर रहे हैं फाइनली कुछ आखिरी एक दो सवाल मैं आपसे और पूछूंगा yeah. लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इतना कॉन्वर्जेसन किया हम, हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे अगर आप होस्ट होते और मैं गेस्ट होता तो आप मुझसे क्या सवाल पूछते वाई द स्टूडियो इन बैंगलोर बैंगलोर वैसे मैंने चूज़ नहीं किया मुझे ऑफर आया तो मैं आ गया बट उसके बाद इनिशियली बहुत स्ट्रगल था क्योंकि ट्रैफिक बहुत है और मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया लेकिन जैसे जैसे रहने लगे अभी आप चार साल हो गए हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है मैं ओके okay, तो अब आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं जो स्टूडेंट्स आई को क्रैक नहीं कर पाए जो बड़े एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते स्पेसिफिकली आई की बात कर लेते हैं उनको आप तीन ऐसी क्या एडवाइसेस देना चाहोगे जिसके थ्रू वो अपने सपने को पूरा कर पाए पहले तो आप बी एस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में प्लीज़ ज्वाइन कीजिए जो दैट्स योर वे ऑफ फुलफिलिंग योर ड्रीम ऑफ गेटिंग एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन Hmm. I don't want to say, you know, IIT or something like that. Good quality education is what you must aspire for. That's your way out. Enjoy the process of learning. Hmm. The uh, process of getting into IIT is not the aim, hmm. it's to get out of IIT successfully. Hmm. So, unless you enjoy the process of learning, you will not come out successfully. Amazing. So, that is one. And you have to work hard, nothing comes easy. यू जस्ट है बहुत सिंपली इन्होंने तीन छोटे सी चॉइस दिए हैं जिसमें से एक तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अगर आई आई टी क्रैक नहीं किया है जैकि एग्जाम एडवांस का नहीं निकल पाया सो डों वरी आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है प्रोग्राम में एनरोल करिए क्योंकि ये आपके आई आई टी जाने का सपना पूरा कर सकता है आई आई टी की डिग्री पाने का सपना पूरा कर सकता है और ये है तो ऑनलाइन कोर्स लेकिन आप कभी ना कभी सेमेस्टर में एक दो तीन बार जब इनवाइट किया जाएगा तो वहाँ पर जाके आई की लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हो उसे जी सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ अगर आपको नहीं करना है तो जो करना चाहता है उसके साथ शेयर जरूर करो ताकि वो आईआईटी जाने का सपना पूरा कर पाए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आपको सिंपली तीन से चार काम करने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करना है किसी पर्सन जिसको इस चीज़ की जरूरत है उसे शेयर करना है एंड फाइनली हमारे वीरा राघवन सर का कौन सा स्टेटमेंट या कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है कॉमेंट सेक्शन में वो लिखना है और अच्छी चीज़ें फैलाने में एफ़र्ट्स लगते हैं समय लगता है हमारे उस समय को आपको बचाना है आपको भी हमारे साथ एफ़र्ट्स करने हैं ताकि ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए स्पेसिफिकली वो बच्चे जो कोटा जैसी सिटीज़ में या फिर वी कैन से कि राजस्थान की बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे वो तैयारी करते हैं और इट्स नॉट अबाउट राजस्थान पूरे इंडिया में जहां जहां जेई के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनको ये खबर पहुंच जाए कि भैया जेई का एग्जाम एक क्रैक नहीं हुआ तो क्या हो गया एनरोलमेंट अभी भी आई में आपके हो सकता है वो सपना आज भी आपका पूरा हो सकता है थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग कीप शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक थैंक यू सो मच